हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काजल और आज मैं एक और नई रेसिपी के साथ आई हूं। और चलिए हम बनाते हैं एक आलू की झटपट सब्जी। आलू की सब्जी बनाने के लिए मैं कढ़ाई पे सरसों का तेल यूज़ कर रही हूं। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड या जो भी आपको पसंद हो वो तेल यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ा चम्मच मैंने इसमें तेल डाला हुआ है। इसमें हम एक चम्मच सौंफ डालते हैं, जीरा डाल देते हैं और थोड़ा सा ये डालिए। एक सबसे बड़ा बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर मैं इसको आलू के चार बड़े साइज के आलू है मैंने इसको हल्के से कट कर लिया। इसको हल्का से तेल में फ्राई कर लेना। बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है और बहुत इंस्टेंट बहुत जल्दी से बन जाती है और बहुत स्वादिष्ट बनती है सब्जी में। इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डालते हैं, ये थोड़ा सा कलर के लिए बेली लीव है, ये एक चम्मच आम का अमचूर पाउडर है, ये एक चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक ऐड करते हैं। अब इसे हम अच्छे से चलाते हैं। ये सारे सब्जियों में मसाले जो हैं मिक्स हो जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिएगा, बच्चों को सूखी सब्जियाँ मुझे बहुत पसंद आती है। कभी पालक या कुछ और बनाए तो बच्चे शायद नहीं खाएंगे और इसे बहुत चाव से खाते हैं, इसीलिए मैंने ये उबले आलू से स्टैंड रेसिपी वाली सब्जी मैंने आपको बताई है। ये बहुत ही हार्ड एंड फास्ट बहुत जल्दी बन जाती है और इसको बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी यूज़ करेंगे। कसूरी मेथी को हम एक तरह से लेकर हाथ में ऐसे रगड़ के ऐसे डाल देंगे। इस सब्जी का टेस्ट इससे बहुत अलग हो जाएगा। और इसमें हम धनिया पत्ती के बजाय हम कसूरी मेथी को यूज़ करेंगे। देखिए बहुत सुंदर दिख रही है सब्जी। ये अपनी सब्जी जो है रेडी हो गई है। इसे हम सर्व करते हैं। इसे हम पराठे या रोटी जिसके साथ चाहें तो बढ़िया मज़े से खा सकते हैं, या आप सूखी चाहें तो इसको सूखी भी ऐसे आप खा सकते हैं। इसमें नमकीन सेव वगैरह डाल दें तो बहुत अच्छी लगती है सब सब्जी। ऐसे हल्का से इसको भून जाने से सर्व करते हैं अपन इसको। ये हमारी इंस्टेंट आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी इंस्टेंट आलू की सब्जी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और इंस्टेंट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।